वालों के सामने आज कहा गया है कि जल्द से जल्द हम भी चाहते हैं कि वेटिंग निकाले ताकि अगली 3538 की विज्ञप्ति इनको जारी करनी है। स्पोर्ट्स की भी इन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर हर हाल में परिणाम जारी करने का इन्होंने बोला है कि इस तारीख पे अगली तारीख पे डिसाइड करके कोर्ट में और तुरंत प्रभाव से इनका रिजल्ट निकाल दिया जाए ताकि अगली 3538 भर्तियां प्लस उसमें 1800 नई भर्तियां जुड़वानी है साथियों। तो नई भर्ती आ रही है, आप लोग इस महीने के एंड तक आ जाएगी साथियों, अगले महीने के शुरुआत में आ जाएगी, हमारा संघर्ष इस महीने के एंड तक ही आ जाएगी साथियों। उन्होंने ये नमस्कार साथियों, मैं फिर से लाइव में आपके साथ जुड़ा हूं साथियों। थोड़ी समस्या हो रखी है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, हालांकि ब्रॉडबैंड से है लेकिन उसके बावजूद भी नेटवर्क इश्यू आया। मैं इस छोटे से इश्यू की वजह से आप सभी से माफी भी चाहता हूं कि आप लोग लगातार मुझसे जुड़े हुए थे और जुड़े होने के बावजूद थोड़ा सा परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ी। साथियों मैं अभी आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़े स्तर पे हम लोग अभी आंदोलन करेंगे, उस बड़े स्तर के आंदोलन के लिए मैं आप लोगों से ज़्यादा वीडियो शेयर करने के लिए बोल रहा था। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक छोटी सी बात है कि भी इसमें कोई भी नेटवर्क इश्यू आता है तो भी मैं हर एक साथी तक वीडियो आपको पहुँचा दूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़े अभी। और साथियों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितने साथी लोग हैं वो क्लियर बात एक एक चीज मैं अब आपको क्लियर बताऊंगा क्योंकि जल्दी बताना पड़ेगा, हो सकता है फिर से कोई नेटवर्क इश्यू आ जाए साथियों। तो सबसे पहले जो सारी प्रॉब्लम थी, ज्यादातर साथी लोग जो जुड़े हुए हैं सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर जरूर करें, एक एक साथी तक पहुंचाएं वीडियो को साथियों। नंबर एक चीज जो CHO की वो स्पष्ट तौर पर दोबारा से एक बार स्पीडली बता देता हूं मैं आपको, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो चीजें जिनके लिए दिल्ली में NHM MD मैडम से भी मिल के आया और NHM मिनिस्टर मैडम से भी मिल के आया, भारती मैडम से और वंदना गुरानी मैडम दोनों से मिला साथियों, आप सभी को पता है। साथियों अभी साथी लोग जुड़े हैं तो ज्यादा से ज्यादा साथी लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको शेयर करें वीडियो को साथियों। अब मैं बता दूं आपको, सबसे पहले CCH कंप्लीट वाले साथी है 77, उनमें से 59 की लिस्ट आएगी और जो फाइल है वो तैयार हो गई है, वो अंतिम पड़ाव में है। वैभव गलेरिया जी तक फाइल चली गई थी, आज हम लोग वैभव गलेरिया जी के यहाँ गए थे लेकिन वैभव गलेरिया जी अभी उनकी सैंपल लिया गया है क्योंकि उनके कोविड का सैंपल लिया गया है क्योंकि उनके वायरल हो गया था और एक दो दिन से वो एबसेंट है अभी। तो साथियों जल्द ही आप लोगों के लिए वैभव गलेरिया जी से संबंधित भी हम लोगों ने कई फाइलें वहां पे भिजवाई थी, आपको पता है अभी इनमें आंदोलन करके, और सारी चीजें क्लियर भी आपको मैं कर देता हूं कौन कौन सी क्लियर करनी है। 15 मेडिकल कॉलेजों को राजस्थान में जो है नई खुलनी है, सारी चीजें उनकी तैयारियां हो चुकी है, खुली गई है, ये मान लो 4 का उद्घाटन हो गया है और प्रधानमंत्री जी ने उनका उद्घाटन किया है, उससे पहले मैंने जाके उनको सारी चीजें बता दी कि 15 मेडिकल कॉलेजेस में ये चीजें अभी होनी चाहिए जिसमें नई भर्तियां सारी लिखित परीक्षा से स्थायी भर्ती के रूप में आए, 7,000 की UTP भर्तियां उनमें नहीं निकले, सम्मान कर रहे समान वेतन के अनुसार उनको सभी लोगों को मानदेय या वेतन मिले जिससे हर एक साथी को उसका अधिकार मिल सके क्योंकि 100-110 रुपए पेट्रोल हो रखा है साथियों, तो बहुत बुरे हालात है। हमने सारी चीज मंत्री जी तक पहुंचाई है कि किस तरह से शोषण होता है और आप लोग बजट भेज देते हो उसके बावजूद NHM के अंदर 7,000 रुपए सैलरी मिलती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की इतनी कम सैलरी है। NHM विभाग के सारे कैडर्स की मैं लिस्ट बना के लेके गया था, वो उनको दी, उन्होंने कहा है कि हम अच्छी PIP मंगवाएंगे साथियों, उसके लिए हमने वापिस से मिले तो मनसुख मांडवीय जी आए थे उस दिन यहाँ पे, जयपुर आके गए थे थोड़ी देर के लिए, मुख्यमंत्री जी से मिले, चिकित्सा मंत्री जी से मिले, मैं पूरा सार आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली गया तो दिल्ली के अंदर साथियों सारी चीज हमने पहले ही मनसुख मांडवीय जी को बता दी और वो क्योंकि हमें पता था कि ये जयपुर भी जाएंगे और सारा जो VC है उसमें भी जुड़ेंगे तो सारी चीजें वो बोल पाए, भर्तियों की समीक्षा बैठक भी करें, मेडिकल कॉलेजेस के बजट की भी समीक्षा बैठक हो, समीक्षा हो क्योंकि बजट नहीं पहुंचाया जाता, जो सैलरी है वो ढंग से मिले, संविदा प्रथा पूरी तरह से खत्म हो, इसके लिए भी हमने मुख्य रूप से मांग रखी थी और उन्होंने वापस भी मिलने के लिए बुलाया शनिवार को और रविवार को, शनिवार को शाम को मनसुख मांडविया जी से वापस मिले थे दोबारा और संडे को सुबह भारती मैडम से हम लोग मिले, लगातार हम लोग इन लोगों के संपर्क में भी बने हुए और ये लोग हमारा साथ भी दे रहे हैं काफी हद तक, राज्य सरकार तक भी इन्होंने अच्छी लताड़ मारी है, NHM MD सर तक ये कहा गया है साफ साफ की भी को भी साफ कहा है कि आप जल्द से जल्द जो है ये हमें 7810 जो है इनकी तो ज्वाइनिंग चाहिए ही चाहिए, ब्रिज कोर्स जल्द से जल्द निपटाइए जितना जल्दी हो सकता है। तो आप लोगों को बता दूं ब्रिज कोर्स का मैंने पहले भी बता दिया था, तय करवा दिया था पूरी तरह से साथियों, 10 मार्च से पहले पहले इनको रिजल्ट जारी करना है और 31 मार्च से पहले पहले यानी 20 मार्च तक इनको ज्वाइनिंग दे के 20 से
जो भी हो 20 के आसपास ज्वाइनिंग का लेटर निकल जाएंगे 20 से पहले पहले या 20 के एक दो दिन ऊपर नीचे। और साथियों 7 दिन का समय आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए दिया जाएगा। ब्रिज कोर्स का मैं बता दूं, हमने इश्यू रखा है, दिल्ली भी रखा था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, कई साथियों की मांग है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही किया जाए, तो हमने दिल्ली में वहाँ पे भी रखी थी और यहाँ भी हमने रख दिया। आज कल रख दी थी, कल दोपहर में पीडी साहब से भी मुलाकात हुई, एमडी साहब से भी सुबह मुलाकात हो गई थी साथियों, और लगातार आज भी मुलाकात हुई। लगातार हम लोगों का संघर्ष आप लोगों के लिए जारी है साथियों। तो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आया ये भी हमने रख दिया है, जहाँ तक है पॉजिटिव ही रहेगा। आरयूएचएस में भी हम लोग आज गए थे, आरयूएचएस की भी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा आज, आरयूएचएस किन किन मुद्दों को लेकर हम लोग गए थे। 10,000 का जो 10,000 रुपए सब लोगों को मिलने चाहिए प्रतिमा, उसके लिए हमने दिल्ली तक बात पहुंचा दी है। तो साथियों जाहिर सी बात है कि अब कॉलेजेस ये बात कहने भी लग गई है आप लोगों को, शायद कई बच्चों को, कि जिसको रहना है, जो रूम लेके रहना चाहे उसको हम पैसे दे देंगे। कुछ कॉलेजेस ने तो ये कहना भी शुरू कर दिया है, और धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को 10,000 रुपए मिले, उन लोगों को, खास करके जो रोस्टर में रहना चाहता है उनकी तो बात मैं नहीं करता, लेकिन जो बाहर रहना चाहते हैं उनको सबको 10,000 रुपए मिले, ये मांग हमारी थी। वैभव गलेरिया जी का जो है आज मीटिंग होनी थी, लेकिन इस वायरल की वजह से ये मीटिंग 2 दिन पोस्टपोन्ड हो गई है साथियों। तो 10,000 का इशू और म्यूचुअल ट्रांसफर का इशू, ये दोनों पे जो कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी के अंदर निर्णय होना है, तो साथियों बहुत जल्द इसका निर्णय होकर 3-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। हाँ, वैसे ट्रांसफर होने में दिक्कत आएगी कॉलेज में, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर में दिक्कत नहीं आएगी साथियों, ऐसी मेरे को ऐसा हमें आभास भी और लगभग तैसा भी लग रहा है हमें, क्योंकि जैसा कि अधिकारियों से और इन सब से सुनने को मिल रहा है, मेरे 3-3 जगह से लेटर फॉरवर्ड होके एमडी साहब के पास आए हैं, सीएस निरंजन आर्य जी के यहाँ से, वैभव गलेरिया जी के यहाँ से, और दिल्ली के यहाँ से जो लेटर पहले वाला फॉरवर्ड हुआ था, और एक अब वो वापिस मेल कर दिया इन्होंने कि भाई ये मांगे इन पे स्पेशल तौर पे आप लोग कमेटी गठित करके तुरंत प्रभाव से इस पे एक्शन लेके और इन लोगों का कोई ना कोई समाधान कीजिए। तो ऐसा उन्होंने मांगा है, इन्होंने जवाब भी मांगा और ऐसा करने के लिए भी बोला इन लोगों। तो साथियों ये क्लियर हो गई आप लोगों के सामने स्थिति। उसके बाद मैंने इसमें सीसीएच कंप्लीट की 77 लोगों की ज्वाइनिंग की स्पेशल मांग रखी थी दिल्ली, वहां से तो वो हो ही गया, 59 लोगों की उसमें लिस्ट आनी है, फाइल भी तैयार हो चुकी है, वैभव गलेरिया जी तक भी जा चुके हैं। पीएच की बता दूं आपको, 39 लोगों का मेडिकल था, वो मेडिकल वाला मामला पूरी तरह से अब मेडिकल होना है और तुरंत उनको भी ब्रिज कोर्स इन्हीं के साथ करवाया जाएगा, स्पोर्ट्स वालों को भी इन्हीं के साथ करवाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर जरूर करें ताकि एक एक साथी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। साथियों मेरे से लगभग अभी 600-700 के साथी लगभग अभी जुड़े हैं, हालांकि पहले वाले वीडियो में 1300-1400 जुड़ गए थे, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा ये है कि वीडियो ढंग से लाइव नहीं हो पाया नेटवर्क की वजह से, तो मैंने वापस लाइव किया था साथियों। अब मैं आपको बता दूं नेक्स्ट नंबर वेटिंग का सभी को बता ही दिया मैंने, पहले 15,000 में से 1400 कुछ लोगों की एब्सेंट सूची आज से 6 महीने पहले आई थी, लेकिन जो वेटिंग वाले साथी थे उनको साफ मैंने बता दिया था 7,353 की सूची जारी होगी, और वही जारी हुई थी। उसके बाद जो एब्सेंट सूची थी वो 613 लोगों की थी, जो वेटिंग वाले साथी थे वो और पीएच के, सीसीएच कंप्लीट के, स्पोर्ट्स के सभी लोग, प्रतिनिधिमंडल मेरे साथ अभी कल पीडी साहब और एमडी साहब के यहाँ पे मेरे साथ अंदर वार्ता में गए थे और सारी वार्ता क्लियर सामने हुई है। तो वेटिंग वालों की एक एक बात मैं आपको बता दूं, धर्मेंद्र भाई, राजेश मीणा भाई, निर्मल बिश्नोई भाई, नरेश बिश्नोई भाई, ये सभी लोग इसके लिए संघर्ष है। पोस्ट बेसिक वाले साथी उनमें भोलाराम भाई मेरे साथ लगातार संघर्ष रहते हैं, और साथियों सीसीएच कंप्लीट में राम प्रकाश भाई, गोवर्धन भाई और जितेंद्र मीणा भाई, ये लोग लगातार संघर्ष रहते हैं। तो इन सभी साथियों को भी आप लोगों का साथ चाहिए और साथ देना भी चाहिए। तो साथियों कमल मीणा भाई भी हमारे साथ संघर्ष करते रहते। तो वेटिंग साथियों मैं बताऊं आपको, वेटिंग का बता दूं 613 के समथिंग लोगों के एब्सेंट सूची थी, जिसमें से 399 लोग ब्रिज कोर्स कंप्लीट वाले थे, उनमें से 200 के करीब लोगों ने 7,000 में भी ज्वाइन कर लिया था आके, 200 के लमसम, 150-200 लोगों के समथिंग। तो साथियों वो लोगों का आप घटा दो तो लगभग 200 के करीब ही लोग बचते हैं, तो 200 पद 613 में से घटाओगे, 613 नहीं 600 में से घटा दो तो वो हो गए लगभग 400 के करीब, 400 के प्लस आप जो है 90-100 के लोग ऐसे थे जिन्होंने बाद में 30 तक डेट बढ़ी तो ज्वाइन कर लिया, तो 100 लोग और घट जाएंगे, तो लगभग 300 के करीब की वेटिंग बची हुई है। ज्यादा आप लोगों को अगर कहता है कोई कि डाटा ऐसे आ रहा है वैसे आ रहा है, जो ये रियल डाटा है साथियों, आप चाहे सभी जगह जाके एनएचएम में कंफर्म कर लो, चाहे कहीं भी कंफर्म कर लेना, लास्ट 300 से 400 के बीच की वेटिंग, 360-370 की वेटिंग, 80 की वेटिंग जा सकती है। एक्स सर्विसमैन, विडो, सारे कोटे मैंने पहले ही जुड़वा दिए थे इसमें, 7,353 की सूची तभी आई थी। जो कोर्ट केसेस के हैं वो भी खाली हो जाएगी, वो भी जुड़वा लेंगे। पूरी
जो एकदम एकदम एबसेंट सूची तय सूची एक बार अभी भी कुछ लोगों को एबसेंट दिखा दिया गया था वहां पे ज्वाइनिंग के बाद भी, तो उन लोगों की भी कुछ एक लोगों का एकदम डाटा फ्रीज हो जाए, एकदम फ्रीज होते ही 3 दिन के अंदर साफ वेटिंग वालों के सामने आज कहा गया है कि जल्द से जल्द हम भी चाहते हैं कि वेटिंग निकाले ताकि अगली 3538 की विज्ञप्ति इनको जारी करनी है। स्पोर्ट्स की भी इन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर हर हाल में परिणाम जारी करने का इन्होंने बोला है कि इस तारीख पे अगली तारीख पे डिसाइड करके कोर्ट में और तुरंत प्रभाव से इनका रिजल्ट निकाल दिया जाए ताकि अगली 3538 भर्तियां प्लस उसमें 1800 नई भर्तियां जुड़वानी है साथियों। तो नई भर्ती आ रही है, आप लोग इस महीने के एंड तक आ जाएगी साथियों, अगले महीने के शुरुआत में आ जाएगी, हमारा संघर्ष इस महीने के एंड तक ही आ जाएगी साथियों। उन्होंने ये कहा कि 20 से 25 दिन में एक महीने के अंदर अंदर हमें नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी करनी है, तो उससे पहले स्पोर्ट्स भी निपटानी है, वेटिंग भी निपटानी है, सारे काम हमें निपटाने हैं क्योंकि मैंने दिल्ली से 3538 भर्तियों के लिए इतना बड़ा दबाव बनवा दिया है कि अगर इन्होंने 3538 भर्तियों की विज्ञप्ति अभी जारी नहीं की तो इनका बजट फिर से लैप्स होगा, इनको 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में इनको अगली बार का ब्रिज कोर्स चालू करवाना है साथियों। तो वो बात है। अब साथियों जो सैलरी इशू था वो सभी कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो चाहे एनएचएम विभाग के जितने भी कैडर्स हो चाहे फार्मासिस्ट हो नर्सिंग एएनएम जीएनएम सभी लोगों का जो था पूरा मैंने डाटा स्केल दिल्ली सरकार को जमा करवाया है कि राजस्थान में ये मिल रहा है और अदर स्टेट्स में ये मिल रहा है। तो उन्होंने एक बोल भी दिया था कि पीआईपी हम इस बार राजस्थान को स्पेशल इंस्ट्रक्शन देंगे कि अच्छी पीआईपी बना के भेजे जिससे ये लोग लेटर भेजेंगे उनको, वो लेटर भी मैं आपको दिखा दूंगा 10-15 दिन के अंदर अंदर। और साथियों राजस्थान में जो 15% तक का अब तक वो अटका पड़ा है उनका वो तक नहीं मिल पा रहा, तो ये करेंगे रिस्टलाइजेशन तक नहीं हो पा रहे इन लोगों से, तो करेंगे क्या चाहे नर्स